Good morning, students. Good morning, students. In this semester, I am going to teach you organic chemistry. Organic chemistry book contains two sections section A and section B. Section A contains alcohols, phenols, and epoxides, and section B contains ultraviolet spectroscopy, aldehydes, and ketones. So, first, we will start with alcohols as you have already studied alcohols in your class 12, so you must know what are alcohols. alcohols are the hydroxy derivative of hydrocarbon in which one or more hydrogens are replaced by same number of hydroxyl group. for example, if you are having alkane, in alkanes i am taking the example of methane, if you replace one hydrogen of methane with the one hydroxyl group, that is oh group, you will get alcohol, that is methanol. तो जैसा कि अभी इसमें लिखा है वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय सेम नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आप एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो इन दिस वे विल गेट एल्कोहल्स नाउ देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज एलिफैटिक एलिफेटिकल्कोहल्स एंड एलिफैटिक एलिफेटिकल्कोहल्स आर द एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द एलिफैटिक चेन व्हाट डज़ एलिफ़ैटिक चीन मीन्स एलिफैटिक चीन मीन्स ओपन एल्काइल चैन ओपन एल्काइल चीन कैन बी सैचुरेटेड दैट कैन बी अनसेचुरेटेड दैट कैन बी ब्रांच्ड और दैट कैन भी लीनियर तो कोई भी एलिफैटिक चीन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं एलिफैटिक एल्कोहल्स यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल में भी मिथाइल कार्बन है और मिथाइल कार्बन चेन है इसी तरह इथाइल अल्कोहल में इथाइल कार्बन चेन है दीज बोथ दीज बोथ चेन्स आर एलिफैटिक नाउ विल टॉक अबाउट एरोमेटिक अल्कोहल्स अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच टू द साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग कीप इन माइंड टू द साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग नॉट डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग ठीक है तो अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे इसमें एक बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या लगा है साइड चेन लगी है बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस और वो क्या है साइड चेन तो साइड चेन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एरोमेटिकल्कोहल सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में भी साइड चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाए तो साइड चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ बट उस एल्कोहल में एरोमेटिक रिंग कंटेन करता हो तो उस एल्कोहल को हम बोलते हैं एल्कोहल्स। नाउ एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ़ ऑफ़ नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से ही हमें पता चलता है मोनो मीन्स वन हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोजन अल्कोहल मीन्स ओ एच ग्रुप इट मीन्स वन हाइड्रोजन शुड बी रिप्लेस बाय वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऐसे अल्कोहल्स जहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जैसे अब आप एग्जाम्पल देखो एक मैंने दिया alcohol, एक हाइल एल्कोहल एक बेंजाइल अल्कोहल इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एरोमेटिक नहीं हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है एलिफैटिक भी हो सकता है बट होना एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए इथाइल एल्कोहल एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक हो गया और बेंजाइल एल्कोहल एरोमेटिक हो गया देखो इन दोनों एग्जाम्पल में एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है नाउ डाई हाइड्रिक एल्कोहल्स जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल में दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स इन विच थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट अब देखो इथाइल ग्लीस ग्लीसरोल ग्लीसरोल में आपके पास क्या है थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है थ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारे पास क्या है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हाइड्रिक एल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनमें मोर देन थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? अब मैंने एग्जाम्पल लिया है सॉर्बिटोल कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें सिक्स फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स एल्कोहल ग्रुप है दैट इज़ मोर देन थ्री तो ये आपके पास क्या एग्ज़ैम्पल है polyhydric alcohols now we'll study only monohydric and dihydric alcohols in brief so first we'll study classification of monohydric alcohols now classification of monohydric alcohols is primary alcohol secondary alcohol and tertiary alcohol

अब जब इसके साथ ओ एच ग्रुप लगा है आप देखो ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैचड है एक ही कार्बन से अटैचड है दैट इज सी एच थ्री और डायरेक्टली अटैचड होना चाहिए तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैचड है एक कार्बन दैट इज सी एच थ्री तो ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन और उसके साथ ओ एच ग्रुप लगा है इसलिए क्या है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल इसी तरह नेक्स्ट देखो प्रोपाइल एल्कोहल प्रोपाइल एल्कोहल में आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास उस कार्बन को ऑब्जर्व करो जिसके पास ओ एच OH ग्रुप है जिसके पास ओ एच ग्रुप है वो फर्दर डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैचड है दैट इज सी एच टू वो सी एच टू आगे कितने से अटैच्ड है हमें उससे कुछ नहीं लेना आपने उसको देखना है जिसके साथ ओ एच ग्रुप लगा है वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है वो एक के साथ अटैच्ड है जिसका तो वो कार्बन कैसा है प्राइमरी और ये अल्कोहल कैसा हुआ प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन आटम तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी कार्बन क्या होता है ठीक है तो अब जिस कार्बन के साथ ओवेच लगा है उस कार्बन को ऑब्जर्व करो उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है दो कार्बन अटैच है दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ग्रुप कोई भी हो सकता है मिथाइल इथाइल बट डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है सिर्फ दो कार्बन अटैच है हमारे पास तो इससे ये कैसा कार्बन है सेकेंडरी कार्बन और इसके साथ ओ एच ग्रुप अटैचड है तो ये कैसा एल्कोहल हो गया सेकेंडरी एल्कोहल अब हम बात करते हैं टर्शरी एल्कोहल की एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू टर्शरी कार्बन आइटम तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्शरी कार्बन कैसा होता है टर्शरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ डायरेक्टली तीन कार्बन अटैचड हो वो कार्बन इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि मिथाइल ही होगा डायरेक्टली तीन कार्बन होने चाहिए तो आप टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का एग्जाम्पल देखो उसमें डायरेक्टली कितने कार्बन अटैचड है एक कार्बन के साथ तीन और उसी कार्बन के साथ क्या अटैचड है ओ तो वो कैसा एग्जाम्पल है टर्शरी एल्कोहल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स का डिफरेंस नेक्स्ट हमने पढ़ना है नॉमन क्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स अब आपने हमेशा नॉमन में क्या पढ़ा है कॉमन नेमिंग आयू पी एस सी नेमिंग बट जब आप अल्कोहल की नॉमन पढ़ते हो तो आपने कार्बिनोल सिस्टम भी पढ़ना होता है ठीक है तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम पढ़ते हैं हम कॉमन सिस्टम में आपने सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है फर्स्ट थिंग इज़ फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कोहल ऑलवेज यूज़ सफिक्स एल्कोहल व्हाट डज़ इट मीन कि जहाँ भी आपको ओ OH एच दिख रहा है तो कॉमन नेमिंग करनी है तो लास्ट में हमने अल्कोहल ज़रूर लिखना है ठीक है सेकेंड अल्काइल ग्रुप इज़ ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट जितने भी कार्बन कंटेन करती है उस कार उसके कारिस्पॉन्डिंग वो हमने अल्काइल ग्रुप लिखने लिखना है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है उसमें सी एच थ्री सी एच टू ओ एच OH की वजह से सबसे पहले हम लास्ट में क्या लिख देंगे एल्कोहल फिर हम काउंट करेंगे कार्बन कितने कार्बन है टू कार्बन टू कार्बन को आप क्या बोलते हो इथेन बट जब भी कॉमन नेमिंग लिखनी होती है हम उसको एन हटा के आइल की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन गया इथाइल एल्कोहल ठीक है अब दो कार्बन होते हैं अगर वन कार्बन होता है उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती वो नॉर्मल रहते हैं इसलिए हम इथाइल मिथाइल एल्कोहल लिख देते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा हुआ है एन प्रोपाइल एल्कोहल देखो ओ एच की वजह से एल्कोहल तीन कार्बन है उसकी वजह से प्रोपाइल और एन क्या है कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए ये कैसा है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल आइसो प्रोपाइल एल्कोहल सबसे पहले आपने ओ एच OH लिख दिया आपने एल्कोहल लिख दिया लास्ट में टोटल नंबर काउंट करो आप कितने हैं वन टू एंड थ्री थ्री कार्बन है उसकी वजह से हमने क्या लिख दिया प्रोपाइल लिख दिया अब आइसो वर्ड किस वजह से आता है अगर आपके ग्रुप में सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो हमेशा याद रखना सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप तो जिस कार्बन के साथ वो हैच अटैच्ड है यहाँ पर वो कार्बन सेकेंड लास्ट है आप सेकेंड लास्ट का मतलब समझोगे जब आप आई यू पी सी नेमिंग करोगे ठीक है हमेशा याद रखना है सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप तो हम उसको आइसो बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ज़रा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल आइसोब्यूटाइल एल्कोहल में आपको क्या दिख रहा है सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं अब वही चीज़ ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन काउंट करने कितने फोर है तो ब्यूटाइल आ गया ओ OH एच है तो एल्कोहल आ गया अब आइसो क्यों आया है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप हैं ठीक है अब दो मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट पर तो आइसो वर्ड आ गया नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमेशा याद रखना है आइसो की स्टार्टिंग हुई है थ्री कार्बन से मतलब आइसो प्रोपाइल सेकेंडरी की स्टार्टिंग हुई है ब्यूटाइल से मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल हम कभी नहीं लिखते हम सेकेंडरी स्टार्ट करते हैं ब्यूटाइल से ठीक है और नियो की स्टार्टिंग होती है पेंटाइल में ठीक है देख देखना है आपने और समझना है देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल में क्या है आप जिस कार्बन के साथ ओ एच OH लगा उस कार्बन को ऑब्जर्व करो वो कार्बन कैसा है सेकेंडरी है क्योंकि वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है अब वो सेकेंडरी है तो इसका आता है अल्कोहल भी कैसा हुआ सेकेंडरी तो हमने क्या लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब टोटल फोर कार्बन तो ब्यूटाइल और ओ OH एच की वजह से एल्कोहल आ गया हमारे पास अब हमारे पास आता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ओ एच की वजह से एल्कोहल टोटल कार्बन कितने हैं फोर उसकी वजह से ब्यूटाइल अब जिस कार्बन पे ओ OH एच लगा उसको ऑब्जर्व करो वो कैसा है टर्शरी इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल एक बार लास्ट स्लाइड में आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि मैम ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और आइसो सॉरी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल को देखें अगर हम तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में जिस कार्बन के साथ ओ एट ओ एच अटैच्ड है वो सेकेंडरी बन रहा है तो हम सेकेंडरी क्यों नहीं लिख रहे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ पर थ्री है वहाँ पर सिर्फ आइसो की स्टार्टिंग होती है जहाँ फोर कार्बन आ गए वहाँ पर सेकेंडरी की स्टार्टिंग है ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है ठीक है तो यहाँ पर क्या बन गया ये टर्शी पेटाइल एल्कोहल नाउ नॉर्मल एन, एन पेंटाइल एल्कोहल तो हमें नज़र आ रहा है उसके बाद आ रहा है नियो पेंटाइल एल्कोहल नियो का मतलब समझना है आपने नियो का मतलब होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर थ्री मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं अब सेकेंड लास्ट कार्बन देखो जो सेकेंड लास्ट कार्बन उस पर थ्री मिथाइल ग्रुप है और थ्री मिथाइल ग्रुप जहाँ सेकेंड लास्ट कार्बन पर लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं नियो पेंटाइल एल्कोहल तो आपने अपनी बुक में सारी कॉमन नेमिंग और आई नेमिंग अभी हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में तो आपने सारी नेमिंग प्रैक्टिस करनी है अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो मुझसे पूछना है नेक्स्ट नेमिंग हम करेंगे कार्बिनोल सिस्टम अकॉर्डिंग टू कार्बिनोल सिस्टम मिथाइल एल्कोहल इज़ कंसिडर्ड एज कार्बिनोल कीप इन माइंड मिथाइल एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं कार्बिनोल तो अब फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर सी एच थ्री सी एच OH, टू ओ एच जिसमें मैंने लिखा हुआ है मिथाइल कार्बिनोल मिथाइल एल्कोहल को तो हम कार्बिनोल बोलेंगे तो जो सी एच टू ओ एच है वो तो कार्बिनोल हो गया उसके साथ जो सी एच थ्री बचा वो एज अ सब्सटिटूएंट हो गया उसको हम पहले लिख देंगे मिथाइल कार्बिनोल इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो सी एच टू ओ एच तो कार्बिनोल हो गया उसके साथ पूरा ग्रुप लगाया सी एच टू सी एच थ्री दो कार्बन का ग्रुप है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे इथाइल और ये क्या हो गया इथाइल कार्बिनोल नेक्स्ट देखो सी एच ओ एच क्या बन गया कार्बिनोल उसके पास दो मिथाइल ग्रुप लगे तो वो क्या हो गए डाई मिथाइल कार्बिनोल ठीक है नेक्स्ट नेमिंग पढ़नी है हमने आई यू पी एस सी सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई यू पी एस सी सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो कि आपने लर्न करने होते हैं तो ये दो रूल्स हैं यहाँ पर मैं इन रूल्स को आप आपको विद एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन करूँगी ठीक है तो मैंने कुछ एग्ज़ैम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर आई यू पी एस सी नेमिंग के लिए फर्स्ट देखो हमने क्या लिखा हुआ है देर आर सम बेसिक आई पी एस सी रूल्स ऑफ नेमिंग एल्कोहल्स तो मैं आपको ये एल्कोहल्स आई पी एस सी नेमिंग जो है वो विद एग्जाम्पल से समझाऊँगी तो so, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी होती है जब भी आपने आई यू नेमिंग करनी है सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन जब भी सिलेक्ट करोगे उसमें वो कार्बन होना चाहिए जिसके साथ ओ एच ग्रुप है और वो चेन कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए ऐसा नहीं कि ब्रेक में चेन चल रही है और काम चल रहा है हमारा ठीक है वो चेन कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और उसमें ओ OH वाला कार्बन होना चाहिए और लॉन्गेस्ट होनी चाहिए ठीक है और जब आपने नंबरिंग करनी है आपने यह ध्यान रखना है कि उस ओ OH वाले कार्बन पर सबसे कम नंबर आए ठीक है सबसे कम मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग ही आपने वन से करनी है सबसे कम मतलब कि आप ऐसे नंबरिंग देंगे उस पर कम से कम नंबर आए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है प्रोपेनोल प्रोपेनोल को तो आप डायरेक्टली प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं ठीक है थ्री कार्बन है सिंपल एल्कइल चेन है आप ऐसा भी कर सकते हैं जिस कार्बन के साथ ओ OH एच लिखा है लगा है हम उसको वन नंबर देंगे नेक्स्ट को टू और नेक्स्ट को थ्री तो प्रोपेन ओल बन गया इसको हम प्रोपेन वन ओल भी लिख सकते हैं क्योंकि वन वाले कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है ओ एच अटैच्ड है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास प्रोपेन टू ओल अब मैंने इसको प्रोपेन टू ओल क्यों लिखा है देखो फर्स्ट नंबर कार्बन को देखो सेकेंड नंबर कार्बन को देखो थर्ड नंबर कार्बन में थ्री थोड़ा दूर है बट ये थर्ड नंबर कार्बन है जो टू के नीचे है ठीक है तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर मैंने वन टू थ्री मैंने पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की और कॉन्टीन्यूस करनी है तो ये मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी कि ये कॉन्टीन्यूस चेन है इसमें वो कार्बन भी आ गया जिसके साथ ओ एच ग्रुप लगा है अब नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है आप कहीं से भी कर सकते हो इसमें नेमिंग नंबरिंग मैंने वन टू थ्री नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर बट आप ऐसा नहीं करोगे कि आप नंबरिंग ओ एच वाले कार्बन से स्टार्ट कर दोगे उसको कम नंबर देने के लिए नहीं नंबरिंग भी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए तो मैंने स्टार्ट करी वन टू और थ्री अब आप ऑब्जर्व करो कि टू नंबर पे क्या लगा है ओ एच ग्रुप तो टोटल कार्बन कितने हुए पेरेंट चेन में थ्री वो क्या बन गया प्रोपेन और प्रोपेन का ई e हट जाता है और ओ OH एच कौन से ग्रुप कौन से उस पर है कार्बन पर टू पे प्रोपेन टू ओल और एल्कोहल के लिए हमेशा सफिक्स हम यूज़ करते हैं ओल तो ये बन गया प्रोपेन टू ओल नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल टू मिथाइल प्रोपिनोल ठीक है अब मैंने इसको टू मिथाइल प्रोपिनोल क्यों लिखा फर्स्ट सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट चेन में देखो मैंने ऊपर वाले कार्बन इंक्लूड किए मैं टू के नीचे वाले कार्बन को भी इंक्लूड कर सकती थी फिर थर्ड वाला कार्बन बाहर चले जाता तब भी तीन वाली चेन बनती तो आप वो भी बना सकते हैं और जो मैंने कंसिडर किया वो भी कर सकते हैं तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे कि कार्बन वाले ओ OH पे कम से कम नंबर आए तो वन टू थ्री अब आप देख रहे हो जो चेन से बाहर है वो कौन है सी एच थ्री और कौन सी पोजीशन पर है सेकेंड पोजीशन पर उसको हम एज अ सब्सटीटूंट कंसीडर करते हैं तो सब्सटीटूंट को आप सब हमेशा सबसे पहले लिखते हो तो वो क्या हुआ टू मिथाइल तो वो सब्सटिट्यूएंट हुआ टू मिथाइल प्रोपेनोल सब्सटिट्यूएंट तो टू मिथाइल हो गया टोटल कार्बन थ्री है और वन नंबर पर ओल है तो हम प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं सीधा और प्रोपेन वन ओल भी लिख सकते हैं अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल सिक्स एट डाई मिथाइल डेकेन थ्री ओल इसमें क्या है लॉन्गेस्ट चेन टेन कार्बन की है ठीक है थर्ड पोजीशन पर ओ OH एच है नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है अगर टेन वाली से वन नंबर करते तो ओ OH एच वाले पर एट नंबर आता तो वो बहुत ज़्यादा था इसलिए वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ पर ओ OH एच वाले कार्बन पर कम से कम नंबर आए तो अब चेन के बाहर दो सी एच थ्री है सिक्स पोजिशन वाले और एट पोजिशन वाले तो उनको सबसे आगे लिखेंगे सिक्स एट और दोनों सेम ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल डेकेन थ्री ओल नेक्स्ट है आपके पास अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल में तो आपने प्रेफरेंस एल्कोहल को देनी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को नहीं देनी है तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है जिस कार्बन पर ओ OH एच लगा है तो जिस कार्बन पर ओ OH लगा है वहाँ से नंबरिंग शुरू की इसका कहाँ तो प्रेफरेंस मैंने ओ OH एच वाले कार्बन को दी टोटल कार्बन थ्री इसलिए प्रॉप टू पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड इसलिए टू आइन और वन पोजिशन पर एल्कोहल इसलिए वन ओल नेक्स्ट है आपके पास ब्यूट थ्रू थ्री इन टू ओल इसमें भी मैंने नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करी है कि कार्बन एल्कोहल वाले कार्बन पर कम नंबर आए अगर वहाँ से करती तो एल्कोहल वाले कार्बन पर ज़्यादा नंबर आता तो ब्यूट थ्री इन टू ओल नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल टू थ्री डाइक्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन वन ओल अब इसमें आपने क्या देखना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली फोर कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट है अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद एक मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया और दो क्लोरो ग्रुप हो गए इसका मतलब ये दो तीन चीज़ें क्या हैं सब्सिटूंट अब क्लोरो में सी पहले सी आता है मिथाइल में एम आता है तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है इसलिए हम क्लोरो वाले सब्सिटूंट पहले लिखेंगे टू थ्री डाई क्लोरो थ्री मिथाइल थ्री पे मिथाइल है टोटल कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन है फोर इसलिए ब्यूटेन कॉन्सिपोजिशन पर ओ एच है वन इसलिए वन ओल नेक्स्ट अगर साइक्लिक ग्रुप की नेमिंग करनी है आपने साइक्लिक साइक्लिकल्कोहल की तो हम उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं जिसपे ओ OH एच ग्रुप लगाया उसको हम कभी मैं दिखाते नहीं है बस उस पर वन नंबर लगा देते हैं उसके बाद आपने ऐसी नेमिंग करनी है कि सब्सटूंट पे कम नंबर आए तो टू ग्रुप आएगा इधर से अगर दूसरी साइड से करोगे तो फाइव आएगा तो हम टू वाला प्रेफर करेंगे सब्सटूंट को पहले लिखेंगे टू मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल नेक्स्ट अगर कोई एरोमेटिक एल्कोहल हो हमारे पास तो अब देखो एरोमेटिक है साइड चेन पर फंक्शनल ग्रुप है ओ OH लगा है तो साइड चेन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो हमारी मेन चेन होगी बाकी हमारा सब्सटूए तो साइड चेन हमारी मेन चेन हो गई दो कार्बन की चेन मेन चेन है और लॉन्गेस्ट चेन है और सब्सटिटूंट कौन हो गया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग जब सब्सटिटूंट होता है हम उसको लिखते हैं फिनाइल और कौन से कार्बन पोजीशन पर है टू पर तो टू फिनाइल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है टू टू फिनाइल टू कार्बन है इसलिए इथेन वन ओल तो दिस इज द नेमिंग वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक टिल द नेमिंग ऑफ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो अगर आपको किसी को भी किसी भी चीज़ में नेमिंग में या क्लासिफिकेशन किसी में भी कोई डाउट है तो आप किसी भी टाइम मुझसे कॉल मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच